वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। अर्पल जो का ड्रामा सर बेलगाम बहुत ही अच्छा ड्रामा बन जो को नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि कासिम साहब रिमशा को लेने के लिए जाते हैं। रिमशा को कहते हैं कि बेटा मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। रिमशा कहती है कि नहीं मामू जान ऐसी तो कोई बात नहीं। रिमशा आज से पहले मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी भी नहीं देखा और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता हूँ। क्या कोई बात हुई है तो मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारे बाप की जगह पर हूँ और मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ अब इस घर में किसी किस्म की कोई भी ज़्यादती हो। रिमशा कहती है कि मामू जान नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बेटा कोई ना कोई बात ज़रूर है, तुम इस तरह मुझसे छुपा नहीं सकती हो। क्या शानी से झगड़ा हुआ है या शानी ने कोई बदतमीज़ी की है, मुझे बता दो। ये बात सुनकर रिमशा कहती है कि मामू जान आपकी तरबियत है कि मैं अब शानी और अपने मामलात किसी से डिस्कस नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर कासिम साहब कहता है कि बेटा मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई भी ज़्यादती हो। तुम मेरी बेटी हो और अगर उस घर में तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मैं बनूंगा और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो तुम मुझे बता दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैं खुद शानी से बात करूँगा, अगर उससे मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़ी तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। नहीं मामू जान आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अली से अफनान को कहती है कि अब हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी तमाम बातों को भूल जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो। अफनान अब तुम्हें रिमशा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यह बात सुनकर अफनान कहता है कि अली से तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रिमशा अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुश है और मैं अब इस टॉपिक पर किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। अली से कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी नहीं चाहती कि आइंदा ऐसी कोई भी बात हो। अफनान तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आइंदा ऐसी कोई भी बात हो। यह बात सुनकर एक बार फिर अफनान को अली से कहती है कि जो कुछ होना था हो गया, मैं भी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। माजी की हुई बातों पर मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब ऐसी कोई बात हो। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि सलमा बड़े ही गुस्से से अपने बेटे को कहती है कि जो हरकत तुम कर चुके हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद रिमशा ने तुमसे शादी की। उसे लगता था कि तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम जैसा घटिया इंसान कभी भी बदल नहीं सकता। और अब भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि उससे जितना दूर रहो वही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं कासिम साहब को सब कुछ बता दूँगी। कासिम साहब जब रिमशा को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए लेकर चले जाएंगे तब तुम भी सुकून में रहना। मैं नहीं चाहती कि अब रिमशा के साथ इस घर में किसी किस्म की कोई भी ज़्यादती हो। यह बात सुनकर एक बार फिर शानी कहता है आप उस लड़की की तरफदारी कर रही हैं जिसकी वजह से इस घर में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिला। जो भी है वो अब इस घर की इज्जत है, तुम्हारी बीवी है और तुम्हें इस तरह किसी की बात मानकर उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। तुम्हें जिसने ये सब कुछ कहा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अली से और अफशीन कभी भी रिमशा को इस घर में खुश नहीं देख सकते। इन दोनों की वजह से ही रिमशा उस घर से आई है और मैं नहीं चाहती कि अब इस घर में उसके साथ किसी किस्म की कोई भी ज़्यादती हो। आंखें खोलकर और कान खोलकर ये दोनों बातें सुन लो कि अगर तुमने अब ऐसी कोई हरकत की तो बहुत बुरा होगा। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अफनान जो कि एक बार फिर रिमशा के पास आता है, रिमशा को कहता है कि ये सब कुछ तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मैं अब तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। यह बात सुनकर बड़े ही गुस्से से रिमशा कहती है कि तुम किस हक से मुझे इस घर से लेकर जा सकते हो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि अब हमारे बीच ऐसा कोई तल्लक नहीं। मैं इस घर में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और आइंदा तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। अब तुम यहाँ आए तो बहुत बुरा होगा। मैं मामू जान को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। इस घर में अब जो भी मेरे साथ सलूक होगा उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम बनोगे। ये बात सुनकर अफनान कहता है कि मुझे ऐनी सब कुछ बता चुकी है। शानी कभी भी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता। शानी तुम्हें बर्बाद कर देगा। शानी अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और क्यों ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। रिमशा साफ इनकार कर देती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और तुम्हें बता रही हूँ कि शानी और मेरे मामलात से आप जितना दूर रहेंगे वही आपके लिए बेहतर है। एक बार पहले तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इस बार ऐसी कोई भी बात हुई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी और खुदा के लिए अब मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे सुकून से रहने दो। अब तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो बहुत बहुत बुरा होगा। यह बात सुनकर अफनान कहता है कि रमशा खुद ही इस दलदल में क्यों फंस रही हो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि वो घटिया इंसान है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। यह सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।